एक बात अच्छी तरह से समझ लो ऋषभ, जिस क्लब की मैं मेंबर हूँ ना, संजना शैलन की मॉम, वो भी उसी क्लब की मेंबर है। तुम्हें क्या लगता है जब संजना का पता चलेगा कि ये मिडिल क्लास लड़की, इसने उसकी बेटी पे इतने गंदे इल्जाम लगाए हैं, वो चुप बैठेगी? वो ये बात सबसे कहेगी, और फिर एक छोटी सी चिंगारी आग कैसे बनती है ना, इस बात का पता भी नहीं चलेगा। और वैसे ये है कौन? संजना इस मिडिल क्लास लड़की की दखल अंदाजी क्यों बर्दाश्त करेगी? कौन है ये लड़की? कौन लगती है हमारी? हमारी फैमिली मेंबर है? नहीं, ये लड़की हमारी कोई भी नहीं। लोग तो यही कहेंगे ना कि ये मिडिल क्लास लड़की ऋषभ की जिंदगी में आना चाहती थी, इस वजह से उसने ऋषभ और शैलिन के रिश्ते को तुड़वा दिया। लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग हमारी फैमिली के बारे में क्या कहेंगे, इस बात से मुझे फर्क पड़ता है। उंगलियां आप पे उठेंगी भाभी। लोग कहेंगे कि आप अपने दोनों बेटों को संभाल नहीं पाई, इस बात से मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। शायद तुम लोग एक बात भूल रहे, लेट मी रिमाइंड यू ऑल। याद है करण के साथ क्या हुआ था? एक बार पहले भी प्रीता को ऐसा लगा कि शैलन का किसी के साथ अफेयर है, और वो ये बात प्रूफ करना चाहती थी। उसने करण का साथ मांगा, और हमारा भोला भाला करण चला गया आंखें मूंद के इसके पीछे। ये ले गई उसे कॉलेज रियूनियन में, वहां पे करण के पॉकेट में ड्रग्स मिले। सबको ऐसा लगा कि करण ड्रग्स बेच रहा था। इस लड़की की वजह से करण को जेल हुई, इस लड़की की वजह से करण टीम से निकाला गया। बुआ शायद आप एक बात भूल रही है, वो प्रीता ही थी जिसने मुझे बचाया था, और उसी ने वो पूरा इल्जाम अपने सर पे लेके खुद अरेस्ट हो गई थी। ये किया था उन्होंने। उसे क्या फायदा हुआ ऋषभ? न्यूज में तो अभी भी ये है कि करण दोषी है। एनीवे, किसने क्या किया क्या नहीं, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब इस लड़की की वजह से। नहीं हुआ, जब प्रॉब्लम आनी है तो वो वैसे भी आनी है, उसमें इनका होना या ना होना क्या फर्क पड़ता है? Because she doesn't like her. प्रीता पसंद नहीं है इनको, इसलिए ऐसा बोल रही है। करण, चुप हो जा। सच है ये, सच है, मैं प्रीता को पसंद नहीं करती, नफरत है मुझे प्रीता से, पर इसे नीचा दिखाने के लिए मैं कोई साजिश नहीं रचूंगी जैसे तुम्हारी इस दोस्त ने रची है शैलन के खिलाफ। क्या बात है, ऐसा लगता है जैसे इस परिवार के सारे लोग गिल्ली डंडा खेलते हैं। मतलब करीना बुढ़िया ने क्या बैटिंग की है, वो गिल्ली डंडा प्लेयर और प्रीता इस बात को ही कैच नहीं कर पाएंगे कि डॉक्टर ने झूठ बोला तो क्यों बोला। फैंटास्टिक। और वो सरला अरोरा को भी करीना बुढ़िया ने क्या बोल्ड कर दिया। आज की बात, वो 2% की ऊंचे नाक वाली औरत सरला अरोरा कभी पृथ्वी मल्होत्रा को धमकी नहीं देगी कि मैं अपनी बेटी प्रीता के साथ तुम्हारा रिश्ता तोड़ दूंगी। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है पृथ्वी, अभी तेरी जीत पक्की नहीं हुई है। और इससे पहले कि वो डॉक्टर पुलिस स्टेशन पहुंचे और उसका माइंड चेंज हो जाए, एक बार उसे पृथ्वी वाला टोस्ट तो देना पड़ेगा। हो गया मेरा दिमाग खराब, पीछे हो गया मेरा दिमाग खराब। मम्मा मम्मा, I'm sorry मम्मा, मैं भी ना कितनी बकवास करती रहती हूँ मैम, लेकिन आप भी ना सब कुछ आप प्रीता दी को ही बताओगे, मुझे तो कभी बताओगे नहीं, क्योंकि आपकी नजर में वही समझदार है ना। मैं तो समझदार हूँ ही नहीं समझदार है। बहुत बेवकूफ है, और इसी वजह से उसे उसकी सजा मिल रही है। ऐसा क्या किया दी ने मामा? साफ साफ बता ना सरला, क्या किया है प्रीता ने, तू उसे क्यों बेवकूफ कह रही है? बीजी बेवकूफी है, मेरी दोनों बेटियां बेवकूफ है बीजी, प्रीता और प्रज्ञा, और बेवकूफी उनके खून में है, अच्छाई उनके खून में है, वो कुछ भी नहीं कर सकती इसके लिए। अब तो पता है ना बीजी कि प्रज्ञा ने मेरा परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया, बेचारी ने अपनी सब तकलीफें भुला कर उनकी खुशी के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? बदले में कुछ नहीं बीजी, सिर्फ इल्जाम, और उसे जो दुख झेलने पड़े वो आप और मैं अच्छे से जानते हैं। और प्रीता और प्रज्ञा भी कितनी प्यारी है, दोनों अपने बारे में नहीं सोचती,
ना करती है, बस उनके लिए कुछ भी दांव पे लगा सकती। ये दोनों बच्चियां ना हमेशा अपने आप को मुश्किल में डाल लेती है बीजी, और कोई भी ना उनकी अच्छाई नहीं देखता, इसी की सजा मिलती है उनको। प्रीता के साथ भी यही हो रहा। ओए, ऐसे क्या घूर रही है मुझे, खा जाएगी क्या? अरे मेरा बस चले ना तो तुम्हें गोली मार दू। अरे ये जो कुछ हो रहा है ना, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? क्या बकवास कर रही है तुम, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती है? अरे किस तरीके के गुंडे हो तुम, हाँ? पहले बेवकूफी करते हो और फिर बेहोश हो जाते हो। अरे तुम्हारी वजह से पृथ्वी को वो शेर की गुफा में आना पड़ा, जाने के लूथरा हाउस में। वो अपनी जान जोखिम में डाल के तुम्हारी जान बचा रहा था, और फिर तुमने क्या किया, हाँ? एहसान फरामोश, उसे चलती हुई गाय से धक्का मार दिया। किसने? देख रही हूँ आवाज की जा रही तेरी मासी की वजह से मेरा दिमाग और भी खराब। चुप। हाँ, तो तुमसे बात करी थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने पृथ्वी पर हाथ उठाया। तुम दिमाग से हिली भी है क्या? मैंने कोई पृथ्वी पर हाथ नहीं उठाया और नहीं मैंने उसे कोई धक्का उक्का मारा। झूठ बोल रहे हो। क्या झूठ? अरे उस वक्त अगर पीछे से गाड़ी आ जाती, पृथ्वी का एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता? चुप। इतनी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं तुझे, चक चक पक पक चक चक पक, बंदी नहीं होती तेरी। देख अगर मेरी सटक गई ना तो बहुत बुरा होगा, 2 मिनट लगेगी और तेरा गेम बजा दूंगा मैं। इसलिए अपना मुंह बंद रख। अब तू मेरी बॉस नहीं है, तू बस मेरे बॉस की आइटम है। इस बात को अपने भेजे में बिठा ले। अरे तुम हो कौन, हाँ? और क्या क्या है तुम्हारी? तुम्हारे जैसे गुंडे हर गली नुक्कड़ पे घूमते, पैसे दो ना तो 10 मिनट और आके सलूट भी करते, समझे तुम? तो अपना सड़ा एटीट्यूड शर्लिन खुराना को मत दिखाना। नहीं मानेगी ना तू, ऐसे नहीं मानेगी ना। अब उस पृथ्वी का जो भी काम है ना वो तू ही कर। भाड़ में गई तुम दोनों की सुपारी, चारो में यहाँ से। अगर यहाँ से जाने की कोशिश की तो जिस काम के पैसे लिए ना वो पूरा करके जा। इसी गन से लोगों को डराता है ना। देख मैं क्या करती हूँ, मेरी उंगली ऑलरेडी ट्रिगर पर है, अगर तुमने हिलने की कोशिश की ना आई विल शूट। क्या कर रही है, वो गन असली है, उसको साइड साइड में रखो। शर्लिन को एक सिस्ट था, यूट्रस के काफी पास, उसके लिए गायनेक की जरूरत तो पड़ती है ना हर एक लड़की को, इसी सिलसिले में मुझसे मिलने आई थी, और इसका तो प्रेगनेंसी से तो कुछ ताल्लुक ही नहीं है। फोन कॉल, यस फोन कॉल, इतनी छोटी सी बात कैसे मिस करती मैंने। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक। डॉक्टर को फोन आया, उसके बाद ही वो डर गई थी और उसने सच नहीं बताया, वो झूठ बोलने लगी। यस प्रीता, प्रीता वो फोन आया था ना डॉक्टर को, वो उसके घर से नहीं आया था, किसी ने उसको फोन किया था धमकाने के लिए, याद है कितनी डरी हुई थी फोन करने के बाद, इसलिए उन्होंने सच नहीं बताया हमें। उससे पहले वो सब कुछ बताने के लिए हमें रेडी थी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं बताया। कोई ना कोई बड़ा राज जरूर है और हम दोनों को मिलकर छानबीन करनी होगी। यस सॉरी, किस बात का हुआ क्या? I'm sorry कि अब मैं ये तुम्हारी बातें नहीं सुन सकती हूँ, नहीं समझ सकती हूँ, ये सब मामले में मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। एक मिनट, हुआ क्या है? प्रीता यार ये खेल बंद करो यार, हुआ क्या है? एक मिनट, खेल मैं खेल रही हूँ? अरे मेरा तो तमाशा बन गया सबके सामने, तुम मुझसे ये सब पूछ रहे हो करण? क्या तुमने खुद नहीं देखा है? सब लोगों ने मुझे कितना कुछ कहा, मेरे सच को झूठ और फरेब बुलाया, मेरी अच्छाई और मेरे कंसर्न को स्वार्थ और लालच बुलाया, मुझ पे इतने सारे इल्जाम लगे हैं करण कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट गया है, मैं किसी से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं रही। राज जानने ना जानने का सवाल तो तब पैदा होगा ना जब तू जिंदा बचेगी। अब बहुत हो गया तेरा, क्योंकि दिमाग सटक गया है मेरा, समझी तू? लूथरा हाउस में सबके सामने तू मेरा पर्दाफाश करने वाली थी, मेरा नाम बोलने वाली थी। बोल, जितना जोर से बोल सके यहाँ बोल मेरा नाम, बोल। मरने से दुश्मनी लेने का नतीजा जानती है तू? हाँ नहीं जानती ना,
पृथ्वी मल्होत्रा के दुश्मनों की सबसे बड़ी गलती है कि वो पृथ्वी का दुश्मन है, समझी तू? अगर मुझ पे कोई एक बार करता है ना तो पता है मैं क्या करता हूँ, उस पर 100 बार करता हूँ, समझी तू? ये देख मेरा हाल, मुझे तो सिर्फ एक बैंडेज लगा हुआ है, पर तेरे साथ क्या होगा पता है? तुझे सीधा कफन में लटका जाएगा, समझी? अरे नहीं प्लीज नहीं, प्लीज क्या मुझसे पंगा लेती है मुझसे? तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, तेरी वजह से मैं जख्मी हुआ हूँ, और एक जख्मी शेर क्या करता है पता है? बोल बोल। नहीं पता है? अभी बताता हूँ। एक झटके में बोल देता है, सिर्फ एक झटके में। नहीं प्लीज प्लीज क्या, तेरा गेम अभी इसी वक्त खत्म होने जा रहा है, यू आर फिनिश्ड। सुनो प्रीता कहाँ है? मैम वो चली गई है। वो चली गई? इसे कैसे चली गई? पता नहीं किस हाल में वो की मेरी प्रीता। एक मिनट सरला अरोरा, क्या हुआ? आज कुछ बोलोगी नहीं? अरे गला तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? नियत तो पहले से ही खराब थी, आज आंखें नहीं दिखाओगी मुझे? वैसे तो तुम्हारी जुबान कैची की तरह चलती है और आंखों से आंख बरसाती हो। अरे कहाँ गए तुम्हारे वो तेवर? सरला अरोरा मजबूर हो, मुझसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं है तुम में? वाह कमाल की सीख दी है तुमने अपनी बेटी को, ऊंचे सपने देखो और अपनी औकात भूल जाओ। करीना जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और मुझे झूठी ठहराने से तुम सच्ची नहीं हो जाती हो, और तुम दोनों के कहने पर मैं शैलन को प्रेग्नेंट तो नहीं बता सकती हूँ। अरे करण तुमने गलत टर्न ले लिया, यहाँ से घर नहीं आता है। जानता हूँ इस रास्ते से तुम्हारा घर नहीं आता, लेकिन किसी और का घर आता है। किसी और का घर? तो तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं डॉक्टर सीमा के घर। क्या? तुम गाड़ी रोको, तुम साइड पे गाड़ी रोको। क्यों 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 पूछ रहे हो मुझसे? इतना सब कुछ हो गया उसके बाद मुझसे पूछ रहे क्यों जा रहे हैं डॉक्टर सीमा के? तुम मुझे बताओ क्यों जा रहे हैं डॉक्टर सीमा के? क्योंकि मेरी गट फीलिंग कह रही है कि बहुत कुछ गलत है, बहुत कुछ। हम इस मुद्दे को लेकर ना मेरा दिलो दिमाग एक ही रास्ते पर है और मैं अपने दिल की बात नहीं डाल सकता, दैट्स इट। तुम्हारा दिल भरा नहीं अभी तक? शालिन पे शक करने की वजह से ही हम इस जगह पे आ गए हैं जहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक लोहे की दीवार है, उस पर जितना मर्जी सर मार लो चोट हमें ही लगेगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कितनी बेइज्जती कराऊं मैं अपनी, एक झूठी मतलबी लड़की साबित हो गई हूँ और तुम कह रहे हो अभी भी मिशन जारी है? नहीं बहुत हो गया, छोड़ो अभी इस दिन। ये जो भी तुम्हें इंट्यूशन हो रही है ना, ना मैं इसे सही मानती हूँ और ना ही मैं तुम्हारे मिशन का हिस्सा हूँ। बस एकाक्षी बार दोस्त, उसके बाद आई प्रॉमिस कि मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेरा साथ दो, जस्ट लास्ट टाइम। जानते हो ना कि मेरी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे आपके और शैलेंद्र के बीच में कोई भी दरार है। मैं जानता हूँ ये बात, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ये बात, और आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं सोचता ऐसा। मैं सोचती हूँ ऋषभ, क्योंकि मुझे दिखाई देता है ऋषभ इस घर में किसी को नजर नहीं आता, पर मुझे अच्छी तरह से नजर आता है। इसकी बेटी हर बार बहाने ढूंढती रहती है इस घर में आने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता करीना जी कि मैं आपकी बातों का क्या मतलब निकालूं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आपकी इन्हीं बातों ने मेरी बेटी के दिल पर पता नहीं क्या असर किया होगा, कैसा महसूस किया होगा उस पर, और उसके दिल पर पता नहीं क्या गुजरी होगी। क्या गुजरी होगी मतलब? अरे तुम्हारी बेटी के दिल में चोर है। खबरदार, अगर आपने पिता के बारे में एक और शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो जो कुछ भी पिता ने किया ना ठीक किया, जो कोई और नहीं कर पाया वो उसने किया, नाज है मुझे अपनी बेटी पर। शर्लिन ऋषभ के लिए सही लड़की नहीं है। तो क्या गलत किया पिता ने? मैं कहती हूं प्रीता ऐसा मानती है, इसीलिए प्रीता ने जो कुछ भी किया ना वो बिल्कुल ठीक है।
How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे है शालिन को गलत कहने की? मेरी हिम्मत है क्योंकि मैं जानती हूँ। और क्यों ना कहूँ? मुझे मेरी बेटी के शक पर भी यकीन है। यकीन है मुझे प्रीता पर, यकीन है उसके उस हर काम पर जो उसने इस घर को बचाने के लिए किया। यकीन है मुझे कि उसने जो कुछ भी किया होगा ना ऋषभ की जिंदगी बचाने के लिए वो ठीक होगा। यकीन है मुझे कि इस घर के लिए वो जान भी दे सकती है। यकीन है मुझे करण और उसकी दोस्ती पर। चुप। अरे पैकिंग करने में किसी को इतना टाइम लगता है क्या? अबे वो डॉक्टर जल्दी कर। शरण मैं जाके चेक करती हूँ, जस्ट डोंट वरी। डोंट वरी? अरे कैसे ना करूं वरी, ये जो डर है ये दीमक की तरह मेरे दिमाग को चाट चाट के मेरे भेजे की भुर्जी बना दी है। अरे यार सुपारी तू कितनी टेंशन लेता है, रिलैक्स चिल, संजू है तेरे साथ, सब झमेला खत्म हो गया समझ। बोलने और सुनने में कितना इजी लगता है नहीं? आई विश ये सब भी उतना इजी होता। अरे सब उतना इजी है, चल अब जल्दी अपन का पैसा निकाल। प्रीता के प्रति और बात नहीं होगी। कुछ नहीं, कुछ नहीं। सलाटी, सलाटी, सलाटी सुनिए ना, सलाटी सुनिए ना, बात तो सुन। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत हर्ट हो, तुम उन लोगों को अपना मानते हो, बहुत प्यार करते हो उनसे, पर तुमने सुना ना तुम्हारी सरला आंटी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहती कि प्रीता दोबारा इस घर में आए, और भाभी ने भी प्रीता को इस घर में आने से मना कर दिया। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो, यही सबके लिए अच्छा है, इसी में सबकी भलाई है। मॉम और सरला आंटी अगर एक जैसे सोचते हैं तो क्या खराब करते हैं? अपमान सहने की भी तो कोई हद होती है ना। आपकी तानेबाजी, आपके इल्जाम प्रीता जी कब तक सहते हैं? और किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो हमारे परिवार से प्यार करती हैं? सिर्फ इसलिए कि वो हमारे परिवार की इज्जत करती, इसलिए वो बार बार अपनी बेइज्जती करवाती रहती? बेटा मैं इस परिवार से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, इसमें कोई शक है ही नहीं। और तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ, जानते हो ना? ना बुआ मुझे इस बात पे कोई शक है ही नहीं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप मुझे अपना बेटा मानते हैं, हम सब एक ही परिवार के हैं, एक ही खून है। लेकिन प्रीता जी वो तो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है ना, बावजूद इसके वो उसने उन्होंने हमारे परिवार को हमेशा खुशी दी, सेक्रीफाइसेस किए, हमेशा हमारी खुशी के बारे में सोचा, बजाय उनको उनको बदले में क्या मिला? मैं देखता हूँ। मैंने तुझसे दोस्ती की है पर मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। अरे रुको, पागल आदमी हो, गोली वोली मारने का क्या कर रहा है? आवाज सुनी? हाँ। मैंने कहा था ना डॉक्टर घर पर ही है। जरूरी थोड़ी है कि डॉक्टर सीमा ही अंदर हो सकता है कि फैमिली का कोई और मेंबर हो। नहीं, मैंने डॉक्टर सीमा के भाई को फोन किया था, सीनियर डॉक्टर ने मुझे उसका नंबर दिया था। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि डॉक्टर सीमा पुलिस स्टेशन से घर पहुंची है या नहीं, तो उसने मुझे बताया कि पूरी फैमिली आउट ऑफ स्टेशन है, घर पर सिर्फ डॉक्टर सीमा और उनकी भांजी है। इसका मतलब डॉक्टर अंदर ही होनी चाहिए। हेलो, समझा के मेरे को, तेरे को पता नहीं संजू का दिमाग कितना तेज चलता है। कुछ तो गड़बड़ है।
समथिंग रॉन्ग। जैसे भावना, हर एक पेशेंट की फाइल की एक कॉपी हॉस्पिटल में भी रहती है ना रिकॉर्ड्स के लिए? डॉक्टर सीमन ने रखवाई होगी, शैलेन नाम के, प्लीज चेक। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास कोई फाइल नहीं है और हॉस्पिटल के पास भी कोई बैकअप फाइल नहीं है, लेकिन हाँ हम हर पेशेंट को उनकी पर्सनल फाइल जरूर देते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शैलेन ने वो फाइल कलेक्ट की अभी तक। करण जी आपने बिल्कुल सही कहा, शैलेन पहले तो अपनी फाइल लेके नहीं गई थी अभी, लेकिन जस्ट अभी अभी हार्डली दो मिनट हुए होंगे एक आदमी आके उसकी फाइल लेके गया, और ये वही आदमी है जो हॉस्पिटल आया था उसके साथ। बहुत जल्दी में था वो फाइल ही और बाहर की तरफ चला गया बस। दिस इज सो नॉट डन भावना, मतलब कोई भी आएगा किसी पेशेंट की फाइल मांगेगा तुम उसे दे दोगी? नहीं, मैंने उसे पहले मना ही कर दिया था, लेकिन जब उसने मेरी बात डॉक्टर सीमा से करवाई तो मुझे मजबूरन उसे वो फाइल देनी पड़ी। ये सब छोड़ो, कितनी देर पहले आया था? अभी जस्ट एक मिनट ही हुआ होगा, आई एम श्योर वो अभी तक बाहर ही होगा। You did it. क्यों? क्या जरूरी काम था? मैं भी तो सुनूं। वो हाँ वो मार्शल शर्लिन। हाँ पता है शर्लिन प्रेग्नेंट है और उसके खिलाफ सबूत सबूत इकट्ठे करने थे ना, इसलिए तो गई थी उसके साथ। तुझे उसकी फिक्र है, अपनी बिल्कुल फिक्र नहीं। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कितना कुछ सुनाया वहां करीना ने तुझे, मैं सब जानकर आई हूँ, मुझे सब पता है, लेकिन तुझे तुझे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। प्रीता तुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा ना, तुझे पता है ना उसने क्या बोला? उसे लगता है कि तू वजह है, शर्लिन और ऋषभ की शादी टूटने की वजह तू है। तूने सारी कोशिशें करी है ताकि उन दोनों की शादी टूट जाए, सगाई टूट जाए, क्योंकि तू ऋषभ की शादी करना चाहती है। माँ आप तो जानती है सच नहीं है। सरला आंटी ने भी बोल दिया कि आप अपनी दादी के लिए कोई और डॉक्टर ढूंढ लो, प्रीता जी आपके घर पे नहीं आ पाएंगे। प्रीता जी अब हमारे घर पे कभी नहीं आएंगे, वो सिर्फ तेरी झूठी कहानियों की वजह से। क्या चलता है तेरे दिमाग में, क्यों बोलता है तू झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ क्यों बोलता है करण? जब संजू यहाँ पर था तू मुझे सच बता सकता था, तू सबको सच बता सकता था ना, वो डॉक्टर ने तो होश में आने के बाद सच बताना ही था। ठीक मेरी बात सुन, अब क्या सुनूं तेरी मैं बात, फिर से एक नया झूठ, फिर से एक नई कहानी। आ गया मैं तेरे झूठ तेरी कहानियों से करण। करण तू कुछ भी कर, कितना भी झूठ बोल, किसी भी प्रॉब्लम से मैं तुझे निकाल के लेके आऊंगा, लेकिन तू तेरी वजह से अगर किसी लड़की का नाम बदनाम हो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। या तो तुम लोग मेरी बात पे यकीन करते, अगर डॉक्टर के होश में आने से पहले मैं ये सब किसी को बताता था, कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करता। अब कौन कर रहा है तेरी बात पर यकीन? उस डॉक्टर ने तो बहुत कन्वीनियंटली कह दिया कि तुम दोनों ने झूठ बोला और तुमने उसको फोर्स किया झूठ बोलने के लिए। मुझे नहीं मालूम है कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था, पर जो कुछ हुआ ना उससे मेरा दिल टूट गया। एक लड़की, एक सीधी सादी लड़की जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उसको बेइज्जत होते हुए देखा है मैंने, और मैं कुछ नहीं कर पाया, वहां खड़ा रहा बस। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सिर्फ कहने के लिए तेरा बड़ा भाई। आज पता लग रहा है ना तेरे लिए मेरी क्या अहमियत है, क्योंकि तुझे बड़ा भाई थोड़ी चाहिए, ना उसका प्यार चाहिए, ना उसका एडवाइस चाहिए, ना उसका साथ चाहिए। मुझे तो वो करना है जो तुझे सही लगता है वो सही। देख अभी के अभी यहां से तू चला जा, मैं बहुत गुस्से में हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तेरी वजह से प्रीता जी अब इस घर में नहीं आएंगी। मेरी कारण आउट, मेरी बात आउट। ऋषभ चाहिए था, ऋषभ की दौलत चाहिए, जो तुम्हें डेफिनेटली चाहिए। जब तुमने देखा कि ऋषभ तुम्हें नहीं चरण को मिल गया तो ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं तेरे से कोई नहीं हूँ, चूंकि जब चक्र क्या कहता था इसीलिए मैंने सोच लिया, और मैं उन्हें बोलकर आई हूँ कि तू लूट रहा हो दोबारा नहीं जाएगी। थी?
आपको पता है जी, जब आप स्माइल करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल ये सोचकर खुश हो जाता है कि मेरी दी खुश है। लेकिन जब आपकी ये स्माइल दिल के दर्द से निकलकर आंसू से होकर गुजरती है ना, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मेरा दिल टूट जाता है दी। पागल है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं दी, आप ठीक नहीं हो, और ये मैं जानती हूँ। आप बहुत अटैच्ड हो ना उस लूथरा फैमिली से, स्पेशली करण सर की दादी से आप बहुत प्यार करते हो ना। आपको याद है दी, शुरू शुरू में आपने उनके कितने नखरे झेले थे, कितनी डांट फटकार सुनी थी ताकि वो ठीक हो जाए। आपने उस फैमिली को बहुत प्यार दिया है दी, लेकिन अब ये आप कैसे भूल गए कि हम अरोरा सिस्टर्स हैं? हम इतनी आसानी से हार नहीं मानती। आपको ऋषभ जो शरण की शादी तोड़नी है ना, तो अटैक दी, अपनी उम्मीदें नहीं, शादी तोड़ो। ये लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सजा देगा, किसकी कितनी इज्जत जाएगी, ये सब चक्कर छोड़ो दी। आपको पता मैंने क्या सुना है? सांच को आँच नहीं होती। एक और एक सुना है मैंने, सोना आग से गुजर कर और निखर जाता है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ दी कि आप वो करो जिससे आपको खुशी मिलती है। आप समझ रहे हो ना? हाँ समझ रही हूँ। तुझे पता है सृष्टि, तेरा नाम ना सृष्टि की जगह छल्ली होना चाहिए था। हाँ अरे पगली, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि समाज क्या कहेगा या लोग क्या कहेंगे या जो मैं करूंगी उसका अंजाम क्या होगा। मुझे सिर्फ एक बात का डर है कि माँ को बुरा तो नहीं लगेगा ना।